नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं चित्रांश देवांगन, आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में ब्लॉग चित्रांश में। आज हम आ गए हैं बरड़िया एग्रीकल्चर, जहां पिछला वीडियो बनाए थे हार्वेस्टर का, ट्रैक्टर्स का, सभी का अच्छा रिस्पॉन्स है, तो इस बार फिर आए हैं। ये है महिंद्रा ट्रैक्टर्स बरड़िया एग्रीकल्चर, ये खैरागढ़ से आएंगे जैसे सोने सरार करके है वहीं पर आपको मिल जाएगा। यहाँ महिंद्रा कंपनी का डीलरशिप भी है और यहाँ सेकेंड हैंड ट्रैक्टर्स का करीबन बहुत सारे ट्रैक्टर्स हैं कम से कम बजट में यहाँ, तो देखते हैं क्या प्राइस होने वाला। भैया को बुलाते हैं और यहाँ से पूरा डिटेल्स लेते हैं। वेलकम माय यूट्यूब चैनल सर, आपका नाम क्या है? दिलीप वर्मा। यहाँ कब से काम कर रहे हैं? मेरे को यहाँ 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए हैं। ये एड्रेस बता दीजिए आप भी यहाँ का। नाथगांव जिला, तहसील खैरागढ़। हाँ, सोनेसरा रोड, नाथगांव। अच्छा, और अभी आज यहाँ कितने प्राइस में होने वाले ट्रैक्टर स्टार्टिंग? कम से कम बजट, कम से कम 1.5 लाख से स्टार्ट। 1.5 लाख से स्टार्ट है और सीजन में कम में भी मिलता होगा? जी, 70-75 हज़ार में भी आ जाता है। 70-75 में भी मिल जी। तो चलो आगे ट्रैक्टर्स देखते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी नंबर है चित्रांश 1235। तो चलो पूरा डिटेल्स देते हैं सर। करते हैं शक्तिमान का 35 से महिंद्रा का, इसका डिटेल बताइए सर। ये 2009 मॉडल है। हाँ, प्राइस इनका 1,70,000 है। कंप्लीट है, पुराने नांगा रहे। कितने एचपी में रहता है ये? 35 HP का है। 35 HP में। अच्छा, और प्राइस में कम ज्यादा होगा ना? हो जाएगा बैठक में। अच्छा, इसके बाद देखेंगे ये है B275 महिंद्रा का। 275 महिंद्रा का। ये भूमि पुत्र में। हाँ, कौन सी मॉडल है ये? ये 2011 का है। 2011 मॉडल है। कितने एचपी में आता है ये? 39 HP में। 39 HP में। क्या प्राइस रखे इसके? लगभग 2 लाख। 2 लाख में सभी नेगोशिएबल हो गए। जी जी। ये पेपर का इंक्लूड रहेगा की अलग से रहेगा? इंक्लूड रहेगा। इसके बाद देखेंगे महिंद्रा B275 है ये भी, ये भूमि पुत्र है ये भी। कौन सी मॉडल है सर ये? 2011 मॉडल है। 11 मॉडल। कितने एचपी में ये? ये 39 HP का। 40। प्राइस बताइए। 2,70,000। 2,70,000। और बाकी रनिंग वनिंग के लिए भैया को कॉल कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा मैं। इसके बाद देखते हैं ये वाला ट्रैक्टर, ये भी B275 DI मॉडल। 2009 का है। 9 का। प्राइस बताइए। 2,25,000। 2,25,000 में छोड़। अच्छा, इसके बाद देखते हैं ये वाले है B275 DI महिंद्रा का। ये कौन से मॉडल है? ये 2011 मॉडल है। इसमें 2011 मॉडल है। कितना छोड़ देंगे? ये 2,70। 2,70,000 में। एचपी तो सेम है सभी का? सेम एचपी पूरा सभी का ना। इसके बाद देखेंगे ये है महिंद्रा 475 DI। अंधेरा होने के कारण जल्दी जल्दी वो कर रहे हैं इसलिए। इसके बाद ये बताइए सर डिटेल्स। 2012 मॉडल है। 2,80,000 रेट है। कितने एचपी में आता है? 42 HP का। 42 HP। ये भी कम ज्यादा है ना? ये कम ज्यादा हो जाएगा, सभी में हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे महिंद्रा का 475 DI, इसका डिटेल बताइए। 2015 मॉडल है ये। 2,10,000 का है ये। 2,10,000। 10,000। अच्छा, सेम एचपी के साथ। सेम एचपी, 42 HP। इसके बाद सेम वही है महिंद्रा का जी, इसका बताइए डिटेल्स। 2012 मॉडल है। प्राइस है इनका 2,80,000। 2,80,000। हाँ, बैठक में कम ज्यादा हो जाएगा। हो जाएगा ना जी। इसके बाद देखेंगे ये है अपना पावर ट्रैक के। हाँ जी, इसका डिटेल बताइए। ये 2009 मॉडल है। हाँ, इनका प्राइस है 1,70,000 का है। हाँ, कम ज्यादा हो जाएगा इसमें। कितने एचपी में आता है ये? 39 HP का। इसके बाद देखेंगे फार्म ट्रैक का। सर ये फार्म ट्रैक का चैंपियन जी कौन से मॉडल? मॉडल 2019 का है। 19 का। कितने एचपी में? 40 का। 40 HP में। क्या रेट रखे इसका? 3,50,000। 3,50,000। इसके बाद देखेंगे पावर ट्रैक का 445, ये कौन से मॉडल है सर? ये मॉडल 2011 का है। 11 का। 11 में आएगा जी। अच्छा, कितने एचपी में ये? ये 45 HP पावर स्टेरिंग के साथ। पावर स्टेरिंग के साथ। क्या रेट रखे इसका? 2,25,000। 2,25,000 में छोड़ देंगे जी। इसके बाद देखेंगे फार्म ट्रक का है, ये भी पुरानी मॉडल है। देखते हैं कौन सी मॉडल है सर ये? ये मॉडल 2008-09 का होगा। 8-09 का। रेट क्या होगा इसका? 1,70,000 का है इसमें। 1,70,000। क्या एचपी में होगा ये? ये 35 का है। 35 HP में आता है। अच्छा, इसके बाद देखेंगे ये है एसर का 485, क्या इसका भी बहुत डिमांड रहता है जी? इसका डिटेल बताइए सर। ये 2013 मॉडल है। हाँ, प्राइस इनका 3,50,000 है। 3,50,000 है। कितने HP में होगा ये? 45 का है। 45 HP में आता है। कंडीशन पूरा। इसके बाद देखते हैं ये वाली है, सेम वही है एसर 485 जी। मॉडल 16 मॉडल है। 16 मॉडल। कितने HP में? ये भी 45 का सेम है और 3,50,000 इनका भी है। 3,50,000 जी। इसके बाद देखेंगे ये स्वराज का 735 HP।
ये कौन सी मॉडल है सर? ये मॉडल 98 का है, 1998 का, जो कहीं नहीं मिलने वाला, कहीं नहीं मिलने वाला। प्राइस इनका है 170,000 का। 170,000? अच्छा, बैठक में कम हो गया, कम हो जाएगा ये। अच्छा अच्छा, इसके बाद देखेंगे, ये है 735 FE जी, मॉडल है जी, XM मॉडल है। कितने एचपी है ये? ये एचपी उसका 39 आएगा। मॉडल इनका है 2015 का। कितना रेट रखे इसका? रेट इनका रखे है 3 लाख है इसका रेट। इसके बाद देखते हैं मैसी का है, 241 DI, ये 42 HP में आता है सर? हाँ, 42 HP में। मॉडल कौन सा? मॉडल 10 का है। 10 का है, कितना रेट रखे इसका? 150,000। 150,000, 50,000। अच्छा, उस वाला जितनी महंगी कैसे? कुछ है ना खासियत उसमें, ऐसा है क्या? इसके बाद देखते हैं, ये है 241 DI, ये पूरा कंप्लीट करके देंगे ना अभी जो तैसे? कंप्लीट करके देंगे। हाँ, ये बताइए इसका डिटेल। ये इसमें लिखा हुआ है 2015 मॉडल है। हाँ, 3,20,000। 3,20,000। ये वाला है सोनालिका का 740, जो बहुत ज्यादा डिमांड है इस ट्रैक्टर्स का। इसका डिटेल बताइए सर। ये मॉडल 2012 का है। हाँ, प्राइस इनका 3,20,000 है। कितने एचपी में ये? 42 HP में। 42 HP के साथ आता है। ये रनिंग वनिंग के लिए कॉल करेंगे घंटे, है ना जी। इसके बाद है सोनालिका, ये इसका डिटेल बताइए। ये 2012 का है। हाँ, 740। रेट इनका 3,20,000। 3,20,000 नागर है। कितने एचपी का ये? 42 HP में, सेम है ना? सेम। इसके बाद है सोनालिका का 750 डोजर, इसका बताइए डिटेल। ये कंप्लीट 490 है। 490, मॉडल कौन सा है? मॉडल इनका 16-17 का होगा। 17। अच्छा, कितने एचपी में आता होगा ये? ये 50 का। 50 HP में। हाँ, अच्छा, 55 है। कितने एचपी में सर? 55 HP में। 55 का आएगा। प्राइस 490। ये महिंद्रा का अर्जुन, नोवा जी, 605 DI ने, हार्वेस्टर में भी यूज होता है ना जी। जी जी, इसका डिटेल बताइए। ये मॉडल 2016 का है। हाँ, 4 wheel, 4.5-4.5 lakh का। 4.5 lakh में। कितने एचपी में ये? ये 60 का। 60 HP में। अच्छा, बाकी पूरा ओके है रनिंग कंडीशन में? कंप्लीट रनिंग कंडीशन में। अच्छा, इसके बाद देखते हैं आगे सर। ये न्यू हॉलैंड 4010, इसका डिटेल बताइए। ये 2009 का है, 15 का है। हाँ, रेट इनका 2,80,000। 2,80,000 में। कितने एचपी में? 40 HP। 40 HP में, पावर स्टीयरिंग के साथ। बाकी पूरा कंडीशन ओके है इसका? ओके, रनिंग कंडीशन में है। अच्छा, तो चलो आइए अब थोड़ा और ट्रैक्टर से आगे वो दिखाते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे ऐसे ट्रैक्टर दिखाए जिसमें आपको डोजर हो गया, हार्वेस्टर में यूज होने वाला अपना 605 DI हो गया, बलकार हो गया, यहाँ हार्वेस्टर बलकार भी दिखाया। ये सभी का वीडियो हो सके तो एक में तो नहीं, 2-3 वीडियो आएगा यहाँ का बरेड़िया एग्रीकल्चर्स का। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, वहाँ कॉल करके यहाँ आ सकते हैं, बरेड़िया एग्रीकल्चर सोनेसर खैरागढ़। तो चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।